सभी दोस्तों को मेरा जानियार इस चहल का नमस्कार। दोस्तों, जो दोस्त मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, उन मित्रों को सभी को पता होगा कि काफ़ी टाइम पहले, लगभग 3-4 महीने पहले हमने सिंगरफ बस बनाई थी, जो कि बिलावा और लहसुन, तो उसको बंद आग दी थी गैस पे लगभग 8-10 घंटे। तो वो सिंगरफ हमारी बहुत ही अच्छी तैयार हुई थी, लेकिन वो सिंगरफ जो है मौसम की वजह से हमने यूज नहीं की, क्योंकि मौसम काफ़ी प्रकृति मौसम गर्म चल रहा था, इसलिए हमने किसी को भी वो सिंगरफ नहीं दी। तो उस सिंगरफ को अब जो है खरल कर रहे हैं और ये सिंगरफ अब बिल्कुल तैयार है। इसकी जो मात्रा है, एक चावल है, 1 से 2 चावल तक इसकी मात्रा है, और इसको हम जो है नामर्दी के रोगियों के लिए और संग्रहणी में जोड़ों के दर्द में ये रामबाण योग है सिंगरफ भस्म का। इसमें इसको बनाना कैसे है, इसकी कैसे कैसे इसकी तैयारियां करनी है, वो सारी आपको इसी चैनल पे पिछले वीडियो में मिल जाएंगी। जब हमने बनाई थी ये पूरा का पूरा वीडियो डाला था, तो आज इसको खरल कर रहे हैं, बारीक कर रहे हैं, ताकि अब इसको जोगों में डाल के तैयार करके दिया जा सके। तो सिंगरफ भस्म अगर आप बनाना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, तो आप इसी चैनल पे हमारे जो है 2-3 विधियां बताई गई हैं सिंगरफ की, तो उनमें देख लें आप कि जो सिंगरफ हमने बिलावा देसी घी और उसके साथ में लहसुन, सबसे पहले प्याज के रस में उसको जो है सिंगरफ को उबालना, फिर उसको लहसुन की लुगदी में जो है रखना डली को, और उसके बाद फिर बिलावा देसी घी माल कंगनी वगैरह डालना, तो वो सारा प्रोसेस आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट कुछ रोगियों को दी थी, जिनकी प्रकृति पित्त नहीं थी, उन्हीं को रोगियों को एक दो को दे के देखी थी, तो इसका अच्छा बहुत अच्छा ज़बरदस्त रिजल्ट आया था। तो अभी मैं इसको खरल कर रहा हूँ, ताकि इसको जो अब ठंड का मौसम आ गया है, अब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं रोगियों पे। पहले तो ये काफ़ी गर्म थी और मौसम भी काफ़ी गर्म था, तो अभी हम इसको इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि इसका इस्तेमाल हो सके। तो आप सभी भाइयों की जानकारी के लिए ये वीडियो मैंने छोटा सा बना के डाल दिया है कि सिंगरफ भस्म आपने किस विधि से बनानी है। वो चीज़ आपने देखनी हो तो हमारे इसी चैनल पे थोड़ा पीछे चले जाएं, कुस्ता सिंगरफ के बारे में पूरी जानकारी है, और इसको जो है नामर्दी, संग्रहणी की समस्या और जोड़ों का दर्द, वायुवादी का दर्द और लकवा अधरंग, ऐसे रोगियों को दिया जाता है सिंगरफ को। तो सिंगरफ के बारे में तो आप सभी को मालूम ही है, जो थोड़ा बहुत भी आयुर्वेद के बारे में जानता है उस भाई को सिंगरफ के बारे में ज़रूर पता होता है कि सिंगरफ कहाँ कहाँ काम करती है। तो इसलिए ये सिंगरफ हमारे पास उसी तरीके से रख रखी थी, हमने 100 ग्राम बनाई थी, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत लगी होगी, 4-5 ग्राम लगी होगी, वो भी 2 रोगियों को दी थी, क्योंकि उनको पित्त प्रकृति नहीं थी, एक तो काफ़ी सी प्रकृति के रोगियों को दी थी, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया था, ज़बरदस्त रिजल्ट आया था।
मात्रा जो इसकी है वो 50-60 मिलीग्राम है बस, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा मात्रा नहीं रखनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा कार्य करती है, नामर्दी के रोगियों में भी ये बहुत अच्छा कार्य करती है और संग्रहणी में भी। लकवा अधरंग में बहुत ही उत्तम कार्य करती है ये सिंहभस्म। अगर आपने इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है कि ये किस तरीके से बनती है, तो फिर पीछे हमारा वीडियो इसके बारे में डाला हुआ है सारा, इसी संबंध में 17-18 मिनट का वीडियो है, तो वहाँ से आप सारा देख सकते हैं इसको। तो अभी ये बिल्कुल इसको खरल कर करके कर करके बिल्कुल बारीक कर लिया है इसको, और भी बारीक करेंगे। आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने मित्र हैं, पुराने दोस्त जुड़े हुए हैं वो शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि जानकारी आयुर्वेद के बारे में लोगों तक पहुंचती रहे। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, नए नए वीडियो आपको बताएंगे कि किस चीज़ का नुकसान है, किस चीज़ का फायदा है, और जो जौन रोगी हैं वो क्यों भ्रमित हो रहे हैं, किस वजह से ठीक नहीं हो रहे हैं, और किस वजह से वो अपनी मनमर्जी से संख्या वगैरह खा खा के अपना पैसा भी खराब कर रहे हैं, या कुछ ऐसे लोगों से नुकसान करवा रहे हैं अपनी सेहत का भी, अपने पैसे का भी, जिनका मकसद मंतव सिर्फ पैसा कमाना है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आप सभी जुड़े रहें, ताकि मैं आपको ये जानकारियाँ देता रहूँ। कुछ तो ऐसे योग होते हैं जो मैं बिल्कुल ही आपको घरेलू योग बताता हूँ, कुछ उलझे हुए केसों में जो है, जहाँ पे सिद्ध मकरध्वज, सिंहरफ, स्वर्ण भस्म ऐसी चीज़ों के योग बना के देने पड़ते हैं, तो वो किसी सुलझे हुए वैद्य से ही लें आप। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जुड़े रहें, ताकि आगे की जानकारियाँ भी मैं आपको दे सकूँ।